गुड आफ्टरनून सर। Students, please send a message to the other your student if you have a group. Please join as soon as possible. I'm wait till another 2 minutes. Okay, sir. हेलो हेलो, हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, आई हैव अ डाउट सर। या टेल मी सर, इन टाइमिंग डायग्राम INXV सर, T5 T6 स्टेट में सर, उसका जो डायग्राम होगा वो कैसे बनेगा सर? एक बार दिखाओगे किसका? INXV का INXD बी 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 डी जो भी है कुछ भी यस यस कुछ किए हो यस सर AD एक सर दिखाओ थोड़ा। हु हैव डाउट सर रुको, अप टू T3 तक करो। T3 तक जो होता है सर। देख के करो, जो किया हुआ है पहले का। और किसी का डाउट्स है तो दिखाओ। आफ्टर दैट सर, आफ्टर दैट अनस्पेसिफाइड इज फॉर T4। T4 तो अनस्पेसिफाइड था ना, यस सर, उसको T6 तक जाएगा। मतलब T4 T5 T6 पूरा अनस्पेसिफाइड रहेगा। ओके सर। नेक्स्ट इसके T3 तक करो, AD0 to AD7। T3 तक होगा सर। इसके बाद डॉटेड लाइन नहीं हुआ, AD0 to AD7 नहीं हुआ, AD0 to AD7 नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता है। AD0 to AD7 दिखाओ, AD0 to AD7 पहले T1 तक देखो, T1 तक होगा। हाँ देखो T1 तक होगा, उसके बाद देखो फिर डॉटेड लाइन होगा, उसके बाद फिर डेटा बस होगा। तुम तो पूरा ही एकदम कर दिए हो, सॉरी सर। सेम एज 8 to 15।
34 के बाद सर इसके बाद पूरा एकदम डॉटेड जाएगा पूरा पूरा। एक्चुअली T4 लगता है एग्जीक्यूशन करने के लिए, इधर में एग्जीक्यूशन टाइम ज्यादा लगता है, T4 T5 T6 तक जाता है। ओके सर, थैंक यू सर। सर कैन यू चेक सर ऑल ऑल प्रोग्राम? हाँ जो है दिखाने से चेक कर देंगे। यस MBIM4E सर। ए राइट बार वाला नहीं हुआ राइट बार सर। है, और थोड़ा डाउन होना चाहिए, उसके बाद ऑफ होना चाहिए था, ऑफ होने के बाद खत्म होना चाहिए था। कहाँ पे सर? राइट ये बार जिधर जिधर डाउन किए हो, हाँ और थोड़ा उधर राइट जाना चाहिए था। हाँ और डाउन होने के बाद जिधर आप होगा उधर ही खत्म। ओके अभी इसके अंदर कुछ लिखना पड़ेगा, यस सर। जैसे इंस्ट्रक्शन कौन सा मेमोरी लोकेशंस में लिखे हो। मेमोरी इंस्ट्रक्शन सर। और S0 S1 नहीं हुआ। देखो मेमोरी रीड के बाद जब मेमोरी राइट कर रहे हो ना, यस सर। उधर क्रॉस होगा, नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा यहाँ पे ना पहले। हाँ क्योंकि जो जो किए हो ऊपर वाला नीचे किए हो, मगर ना 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 और नहीं, और नीचे नहीं, नहीं और नीचे नहीं, और नीचे नहीं, उसको मिटाओ जो अभी दाग किए हो उसको मिटाओ। देखो S1 अभी क्या है, वन है ना मेमोरी राइट में, सर। यस पहले सर। क्या था, इस 1-0। जीरो था। देखो उसके ठीक मेमोरी रीड में जीरो था, यस अभी सर। इसको वन हुआ, तो इस ए लाइन को ऊपर में उठाना पड़ेगा। ओके ये S0 जो लाइन है ऊपर जाकर आ उसके साथ ऐड कर देना पड़ेगा। और बीच में जो देखो वो जो है ना, बीच में जो S1 और T1 के बीच में जो ऊपर में वो दाग मिटा देना पड़ेगा। तुम लग रहा है सीधा ही कर दिए हो, उसके सीधा को मिटा देना पड़ेगा। ओके सर। से ऊपर आया ये, ऊपर से नीचे आए, बस नेक्स्ट। यू नो इट शुड बी राइट, द इंस्ट्रक्शन इज रिटन इन व्हाट एवर व्हाट एवर एंड इंस्ट्रक्शन इज रिटन देयर फॉर इंस्ट्रक्शन इज यू नो 8500:XY, ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा। तो 8500:XY तो नहीं, वो उसका अंदर लिखना पड़ेगा कुछ। यस सर, वो बाद में लिख लें सर, अभी डायग्राम। और सर इधर साइड जो मेमोरी रीड और मेमोरी राइट में है वहां पे क्या लिखेंगे सर? कौन सा में, सर इसी में। यस सर। हाँ ए, नहीं नहीं लिखने से तो हम बोल नहीं पाएंगे, इसलिए तो हम लिखने ही बोल रहा था। हाँ सर, तो लिखे हैं, मतलब हम लिखे हैं इस डायग्राम यही है। एज्यूमिंग द कंटेंट ऑफ HL रजिस्टर पेयर इज 8600H। बस वेरी गुड। तो पहला जो मेमोरी रीड है, पहला यस सर। जो मेमोरी रीड है उसमें हायर ऑर्डर एड्रेस बस में जाएगा 86। फिर से कैमरा बंद कर दिया। मेमोरी रीड में जाएगा 86 हायर ऑर्डर एड्रेस बस में, मेमोरी रीड ठीक का है हायर सर। ऑर्डर एड्रेस बस में जाएगा उधर 86, नीचे रहेगा ठीक है। लोअर ऑर्डर एड्रेस बस में रहेगा 00, ठीक है। और डेटा बस में जाएगा कंटेंट ऑफ 8600। 4E ए कौन सा इंस्ट्रक्शंस के लिए है? M,4E। ओ आई एम सो हम सोचे MBIM INR M ऐसा सोचे थे ना, ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या होगा, इसमें तुम पहले इंस्ट्रक्शंस लिखो। देखो पहले तुम पकड़ लिए हो जो इंस्ट्रक्शन का हेक्स कोड है XY MVIM,4E is in XYH and the XY। instruction is written in, sir बोल रहे थे, हाँ बोलो। let assuming the hex code of MVIM,4E is in XYH and the instruction is written in 8500H
also assuming the content of HL register pair is 8600H, therefore 8500H colon is XYH, as this is a 2 byte instruction. No. 8501H colon और MBI M कमा 4E लिखे थे ना, वो 4E होगा. 8501 colon 4E होगा. 4E. अच्छा और एक लाइन बोलो जो तुम बोले हो, instruction written. Sir, instruction written in 8500. नहीं नहीं होगा, form होगा. Instruction written form 8500. क्योंकि 2 byte instruction दो जगह चाहिए. अच्छा ठीक है सर. और 8600H HL register pair में है. हाँ 8600H HL register pair. Very good. अभी क्या होगा, ये छवि दिखाओ आंसर ही. सर हम शो कर रहे हैं. तो इधर 8500XY पहला में हो गया. सेकेंड वाला में होगा 8501 4E. MBI M कमा 4E था ना? यस सर. हाँ तो उधर 8501 4E करना पड़ेगा, ठीक है, कोलन देके. और इधर होगा 8600 4E, ठीक है. ठीक है सर. और सर LDA का, LDA का वो रिटर्न इन लिखे हो, रिटर्न फॉर्म करो पहले. इंस्ट्रक्शन रिटर्न इन ना करके फॉर्म करो. 8500 कोलोन XY, उसके बाद नीचे लाइन में लिखना पड़ेगा 8501 कोलोन 00H. अच्छा LDA क्या है, इंस्ट्रक्शंस क्या है? 8600H. वेरी गुड. 8500 कोलोन 00, उसके बाद लिखो 8502 कोलोन 86. करो करो एक मिनट सर. हाँ सर. 8502 कोलोन 86. Yes. अभी इसके लिए तीनों मशीन साइकिल हो जाएगा. पहले तीनों मशीन साइकिल फिल्ड अप करो. पहला के लिए क्या होगा? पहला के लिए होगा सर 8885. हाँ. 00. हाँ. XY. नेक्स्ट के लिए? नेक्स्ट के लिए होगा 85. हाँ. 01. हाँ. 00. थर्ड के लिए? थर्ड के लिए नेट चला गया होगा. कोई थर्ड के लिए क्या होगा, कोई दूसरा बोलो. हाँ बोलो. 86 थर्ड के लिए क्या होगा? थर्ड के लिए नहीं हुआ. थर्ड के लिए सर मेमोरी रीड कर रहा है तो 8600. नो. अरे दो इंस्ट्रक्शन तो लिखे हो तीन तीन के लिए, तो तीन मेमोरी लोकेशंस में तो लिए ही तो तीन होगा. पहला वाला हुआ, सेकंड वाला हुआ, तो थर्ड वाला कैसे दूसरा आ गया? अच्छा सर क्या होगा? 8502 00. 850286. उधर नहीं, उधर नहीं, उधर नहीं, उधर नहीं, उधर नहीं, उधर नहीं. पहला वाला, पहला वाला. हाँ 850286. हाँ अभी लास्ट वाला, लास्ट वाला कौन सा मेमोरी लोकेशन का कंटेंट हो रहा है सर? लास्ट वाला मेमोरी लोकेशन का कंटेंट हो रहा है 8600 का. LDA कर रहे हो ना? यस सर. नहीं STA कर रहे हो? LDA कर रहे हैं सर. LDA कर रहे हो, तो LDA कर रहे हो मतलब यही तुम्हारा जा रहा है, मेमोरी लोकेशंस का कंटेंट आएगा एक्युमुलेटर में. यस सर. तो होगा 8600 कंटेंट ऑफ 8600
और डेटा बस में होगा कंटेंट ऑफ 8600। ठीक है सर। STA 8700H। हाँ, उसके लिए वही सेम, पहले तो तीनों हो जाएगा। हाँ करो 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 करो, उसी पेज में तो होगा। अभी तीनों के लिए तीनों बिठा दो सर, यहाँ मेमोरी राइट आ रहा है। हाँ तो क्या हुआ, पहले तीनों के लिए तीनों बिठाओ ना। अच्छा ठीक है सर। Rahul, your video is paused. हेलो। हाँ, तुम्हारा वीडियो पॉज्ड हो गया था। रुको अभी दिख रहा है सर। रुको, हमको लाना पड़ेगा। दिख रहा है अभी। उसमें होगा 8700 कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर। कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर क्यों किए सर? क्योंकि एक्यूमुलेटर से मेमोरी लोकेशन पे कॉपी होगा। राइट, दैट्स व्हाई कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर। सर एक और है, LXI H,8500H। ये तो बहुत ही इजी है, वो जो तीनों है वो तीनों मेमोरी लोकेशंस में रहेगा, वो तीनों मेमोरी लोकेशंस के लिए होगा। पहले वो ठीक करो, राइट इन करके इन तक इन को फॉर्म करो। 8600 कोलोन XY है, उसको 8601 कोलोन क्या होगा देखो, 8602 कोलोन क्या होगा देखो, LXI क्या है। LXI सर 85 है। 8500 है? यस सर। हाँ तो इधर में, तो इधर में क्या किया, 8600 किया, ठीक है 8601 किए हो 00, 8602 करो 85। ये तीनों के लिए तीन हो जाएगा, बस हो गया और क्या। ठीक है सर। और किसी का कुछ डाउट सर?
कैन आई प्रोसीड? यस सर, यस सर. ओके, नाउ टुडे आई एम फर्स्ट डिस्कसिंग द इंस्ट्रक्शंस. I think all of you receive, you know, this kind of instructions. All of you received? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. Yeah. So whatever I am discuss, I'm just repeat once again. I already discussed like MBI. All of you understand MBI? Any queries? Any queries if you have? So I will be just repeat once again all the instructions. Whatever I am discuss, I just escape, and whatever I am not discuss, I will be discussed today. This is the move. This is the add. I think all are understood. The ADI, I am not discuss. Just see, if I am talking about the add, add is always add with a register. What are the syntax? Syntax is add register. Register means any 8-bit registers. Any 8-bit register. Like example, add B. Add B. What is happen in add B? Just see, A is equal to A plus B. So EA plus CD, and these two is added, and the result will be stored into the accumulator. Result will be stored into the accumulator. Okay. Result will be stored into the accumulator. Yes, sir. And C, B will be unchanged. But what will be happen in the ADI? ADI is nothing but a, this CD is given in the instructions directly. There is a no need to given in a, any kind of register. There is a no need of given any registers. Like, just see the example. ADI AB means A is equal to A plus AB. Means A is equal to A plus AB. Is it clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. A is equal to A plus AB. All of you can see my slide? Yes, sir. Slide or word file, whatever it is? Yes, sir. Right. Next. Just see. Sub. Sub is nothing but a substructions. Already I am explained. Sub B is nothing but A is equal to A minus B. Next. SBI. So what will be the functions of SBI? So directly 8-bit data will be subtracted from directly that is given in the data itself, right? Yes. So basically, say SBI 76. What is the function? A is equal to A minus 76. A is equal to A minus 76. Is it clear? Yes, sir. Next, STA. What are the function of STA? Store the data in accumulator. STA is nothing but a 16-bit address. The content of accumulator will be stored automatically. Here is 79, 95, 00 is AB, so 95 will be automatically stored into the 9500, and the content of accumulator will be unchanged. Okay. Next, LDA. Also, you know the functions LDA. I am already explained. LXI already explained. And whatever I told to you, that is the aim. It is a given in the note. Everything is written. All of you received this note? Yes, sir. Yes, sir. Very good. Next, INR. I already explained. INR B is nothing but a B is equal to B plus 1. INX is nothing but a register pair. BC is equal to BC plus 1. It is INXB.
DCR similar decrement. DCR B is nothing but a B is equal to B minus 1. DCX means, you know, DCX B is nothing but a B, BC is equal to BC minus 1. All are explained already. So I am just skip one by one. STAX, what are the functions, sir? So to store store the content of accumulator into the particular memory location which is located by the particular register pair, means STXB means the content of accumulator stored into the particular memory location which is located by BC register pair. BC ke andar jo address rahega usi address mein chala jayega accumulator ka content. It's clear? Already explained the previous day. Similarly, LDX, just vice versa. Jump, this is a conditional jump, unconditional jump, all are discussed. JPO, next RAR, already explained to you. RAL, already explained to you. RRC, already explained to you. RLC, already explained to you. Next is the AND operation, ANA. It is a very important one. ANAB. Just see my copy. All of you can see my copy? Yes. The program is written. Now I'm coming into the ANA. It's a very important one, ANA. Say ANA, say I'm talking about the B. All of you can see my page, ANAB? Yes, sir. Yes. So ANAB, what are the functions? Logical AND operation between A and B. Like before the instruction, say accumulator is, say 36. B is 0F. Logical AND between each bit of accumulator with the corresponding bit of B register. Like 36 in binary, 0011, and 6 is nothing but a 0110. Isn't it? It is a 36 or not? Yes, sir. And 0F, 0000. 1111. Yes, sir. Next, logical AND. Logical AND means AND gate. Sir, 01. AND gate mein kya hoga? AND gate mein hota kya hai? Multiply. Zero, sir. Zero. Sir, 111. 110. Sir, next, 01. 0 0 1 0 0 0. ये होगा कि नहीं? 0 0 0 0 0 1 1 0. Is it clear? Yes, sir. So it's nothing but a 0. It's nothing but a 6. So after the instructions, accumulator will be 06, and B will be unchanged. That is 0F. Is it clear? Yes. ये instruction दूसरा तरह का भी लिख सकते हो, देखते हैं वो लिखा इसके बाद ही है कि नहीं है. ANI, very good. ANI 0FH, same function करेगा. B के अंदर जो content है वो हम directly दे दिया. I मतलब इसके बाद immediate data रहता है. So ANA करके रजिस्टर की भी दे सकते हो, ANI करके डायरेक्ट डेटा भी दे सकते हो. सर इसमें क्या एप्लीकेशंस होगा इसका? मैं एक एप्लीकेशन कराया तुम लोग का भी. सर इसमें क्या फंक्शन विल बी लॉजिकल एंड ऑपरेशन बिटवीन ए एंड 0F. हाँ ये तो तुम किए हो, मगर इसके आउटपुट क्या आया रिजल्ट में देखो तो इसके साथ
इसके साथ कंपैरिजन करें तो क्या हो, क्या बोल बोल सकते हैं आप? सर बी में जो भी डाटा है उसको ना, बी का डाटा तो छोड़ दो, ए के बारे में सोचो क्या था क्या हुआ। सर 36 था, 6 हो गया, मतलब ये 3 वाला 0 हो गया। यस सर, 3 वाला 0 हो गया। यस सर, वी कैन क्लियर द लोअर निबल और हायर निबल। देखोगे कैसे, मान के चलो ए एन आई जीरो एफ ना करके ए एन आई मैंने किया है एफ जीरो, और एक्युमुलेटर में 36 था, तो क्या होगा 0011 0110 1111 0000। लॉजिकल एंड 0000 1100, तो क्या होगा 30 होगा। तो F0 से हम एंड ऑपरेशन करेंगे तो इट्स क्लियर द लोअर निबल, 0F से एंड ऑपरेशन करेंगे इट्स क्लियर द हायर निबल। इट्स क्लियर और नॉट? यस सर। इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। हां, ए एन आई जीरो एफ से एंड ऑपरेशन कर रहा है, तो जो मैंने इधर दिखाया देखो 36 लिया था मैंने, जीरो एफ इसके नीचे लिखा है, तो देखो अब लॉजिकल एंड मतलब क्या होता है, इसके भी एक ट्रूथ टेबल है। तुम लोग किए हो एंड ऑपरेशन, हम फिर से एक बार तुम लोगों को याद दिलाने के लिए बोल रहा हूँ, ए बी सी मान के चलो ये दो इनपुट होगा ये आउटपुट होगा, 00 में 0, 01 में 0, 10 में 0, 11 में 1, ये है लॉजिकल एंड, इट इज नथिंग बट ए लॉजिकल एंड। इट्स क्लियर? तो लॉजिकल एंड मतलब 1 1 होने से ही सिर्फ 1 होगा, तो देखो 36 एंड 0 एफ, आई एम जस्ट लॉजिकल एंड बिटवीन दिस टू, 36 मींस 0011 एंड 0110। आई ऑलरेडी टोल्ड टू यू दैट ईच बीट ऑफ एक्युमुलेटर विद द करेस्पोंडिंग बीट ऑफ बी रजिस्टर, सो करेस्पोंडिंग बीट ऑफ बी रजिस्टर मींस what are the value of b, b is 0f, 0f means 0000 1111, just see 01 output 0, 11 output 1, 11 output 1, 01 output 0, 100100000000, according to this table, am I right? So what are the output, it's a 0, it's a 6, so output is a is equal to 06, so I can easily say that this instruction is nothing but these instructions, similar instructions, because here the content of b is 0f, here I am given the directly 0f, there is a two instructions, so just see, so what are the content of accumulator is 06, what are the starting of the value of, you know, accumulator is 36, so 36 se ho gaya hai 06, 36 se 06 hoga to kya hoga, 36 se 06 hoga to kya hoga sir, 0 पहले 0f से कर रहा था, अभी f0 से कर रहा है, अभी f0 से करने से क्या होगा, देखो मैंने दिखाया 30 आ गया, मतलब इधर क्या होगा टू क्लियर द लोअर निबल, लोअर निबल, सो a9f0 यूज करता है टू क्लियर द लोअर निबल, a9f0 यूज करता है हम लोग क्लियर द हायर निबल। इट्स क्लियर? यस सर। दो नंबर का एंड ऑपरेशन करने के लिए हम लोग a9 यूज करते हैं, ए एन ए नहीं, हम समझा दिया तुम लोगों को, सिमिलरली हम और नहीं बोलेंगे, और भी लॉजिक ऑपरेशंस है लाइक ओ आर ए और गेट, और गेट का ट्रुथ टेबल तुम लोग जानते ही हो, और गेट का ट्रुथ टेबल क्या है, इससे जब 00 रहेगा तो 0 होगा, नहीं तो बाकी सारे में 1 होगा, 0000 0111 0111, ये है और गेट, और गेट का ट्रुथ टेबल है, एंड गेट का ट्रुथ टेबल, राइट?
इट्स क्लियर टू यू? सो ए नथिंग बट ए और गेट, अभी और ऑपरेशन होगा. सिमिलरली ओ आर ए होगा तो ओ आर आई भी होगा, ओ आर आई ये डायरेक्टली दे सकते हो, इसका एग्जाम्पल के साथ किया हुआ है. नेक्स्ट एक सारे मतलब एक्सॉर्गेट. एक्सॉर्गेट का ट्रुथ टेबल क्या है पता है? बोलो कोई. याद रखने का एक छोटा चीज था, बोलो तो क्या याद है किसी को? अरे ना बोलो ना. नो सर. वेरी गुड. एक्सोर गेट का एक याद रखने का सिंपल सा तरीका है, सिमिलर इनपुट जीरो आउटपुट, डिफरेंट इनपुट वन आउटपुट. सिमिलर इनपुट जीरो आउटपुट, डिफरेंट इनपुट वन आउटपुट. मतलब जीरो 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 वन जीरो जीरो वन बोलो वन वन जीरो वन 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 जीरो. सिमिलर इनपुट होगा तो जीरो आउटपुट होगा, डिफरेंट इनपुट होगा तो वन आउटपुट होगा. ओके हम एक सारे के एक्सप्लेनेशन के साथ कर रहे हैं. एक सारे मान के चलो दिया है ए, क्या होगा सर? बिफोर द इंस्ट्रक्शन, बिफोर द इंस्ट्रक्शन मान के चलो एक्यूमुलेटर में है थ्री ए, आफ्टर द इंस्ट्रक्शन एक्यूमुलेटर में क्या होगा बोलो तो? बोल पाओगे कोई? एक सारे मतलब की हो क्या इंस्ट्रक्शंस क्या है, किसके साथ किसका और गेट? सर ए के साथ ए का और गेट. वाओ ब्यूटीफुल. ए के साथ ए का और गेट मतलब थ्री ए के साथ थ्री ए का ही और गेट क्या होगा? जीरो जीरो वन 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 जीरो वन जीरो थ्री ए उसके साथ इसी का होगा क्या होगा आउटपुट? क्या होगा आउटपुट? जीरो 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 आउटपुट होगा. इट्स क्लियर आर नॉट? यस सर. सिमिलर इनपुट देखो सारा सिमिलर इनपुट तो जीरो आउटपुट. ऊपर में भी जो है इस थ्री ए के जगह से दूसरे नंबर होने से आउटपुट क्या आता था? जीरो. कोई भी नंबर लो आउटपुट जीरो ही आएगा. समझ में आया कि नहीं आया? यस सर. यस सर. पहले हम लोग एक्यूमुलेटर को कैसे जीरो करते थे? जीरो जीरो इंसर्ट करके. कैसे? इंस्ट्रक्शंस क्या था बोलो? बोलो इतना बार कराया कैसे करते थे बोलो? एमबीआई करते. एमबीआई ए कमा जीरो जीरो करते थे. कितना बाइट का इंस्ट्रक्शन था? टू बाइट का. थ्री बाइट का सर. टू बाइट का सर. थ्री बाइट क्यों बोल रहा था? टू बाइट ही बोल. तो टू बाइट का था. ये कितना बाइट के इंस्ट्रक्शन है? वन बाइट का. तो दिस इज एग्जांपल ऑफ वन बाइट. क्वेश्चंस में आएगा गिव मी वन एग्जांपल ऑफ वन बाइट इंस्ट्रक्शन व्हिच इज क्लियर द एक्यूमुलेटर. एग्जांपल इज दिस. अभी से ये नहीं करेंगे, अभी से ये करेंगे. यस सर. ए करने से एक बाइट ज्यादा लगता था, ए एक बाइट कम. एक सारे ए मतलब वन बाइट इंस्ट्रक्शन.
Is it clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Can I proceed for the next? Yes, sir. So this is the XOR gate. एक प्रोग्राम हो जाए उसके बाद जाते हैं आगे. यस सर. एक प्रोग्राम हो जाए. क्या प्रोग्राम करे? हेक्स टू बाइनरी एंड बाइनरी टू हेक्स. ये करेंगे बाद में. पहले करो any decimal value with corresponding ASCII code. Write an assembly language program. Write an assembly language program which is convert a decimal number into its equivalent ASCII code. Equivalent, sir. हाँ. Let's equivalent के पास. आप फिर से बोल रहा हूँ. Write an assembly language program which is convert a decimal number into its equivalent ASCII code. ASCII code के बारे में नाम सुने कभी इसके पहले? No sir. ASCII code का नाम नहीं सुने? C नहीं पढ़े हो कितना तुम लोग? ऐसी कोड तो सुनना चाहिए था. कंप्यूटर शुरू ही होता है ऐसी कोड देके. अच्छा ठीक है, हम बोल देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऐसी कोड क्या है पहले? अच्छा उसके क्वेश्चन एकदम पूरा कंप्लीट कर लो. लेट अज्यूमिंग ASCII है. ASCII ASCII II राइट. अमेरिकन? यस सर. सुने हैं? क्या सुने हो? तो वो हर जो भी वैल्यू हम लोग इंसर्ट करते हैं उसके लिए एक फोर डिजिट का बीट होता है जो ASCII कोड कहते हैं. मतलब कि हर फोर डिजिट का डिफरेंट कैरेक्टर के लिए डिफरेंट होता है सर. फोर डिजिट का ASCII कोड? यस सर. फोर बीट का. नो सर, बोल रहे हैं बाद में, हम आ रहे हैं. चलो क्या बोल रहा था? Assuming decimal number stored in 8500H. And output will be stored from will be stored from 8600H. पहले ASCII कोड के बारे में एक थोड़ा बहुत नेता तो हो नहीं पाया, तो लेक्चर दे देते हैं, है ना? Yes. क्या है ASCII कोड? देखो व्हाट एवर द इनपुट आई एम गिवन, पहले जो था सिस्टम, तुम एक कंप्यूटर सिस्टम यूज कर रहे हो, हम दूसरा कंप्यूटर यूज कर रहे हैं,
तुम मान के चलो आईबीएम का कंप्यूटर, हम मैंने एचपी का, कोई डेल का, ये सब अलग अलग पर्सन अलग अलग कंप्यूटर यूज कर रहे हैं। इसके लिए प्रॉब्लम क्या हो रहा है, प्रॉब्लम एक चीज हो रहा है, जैसे ये जो एक एक आदमी एक एक टाइप का तरह का कोड यूज कर रहा है, इसमें एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना उस टाइम में थोड़ा प्रॉब्लम था। एचपी का कंप्यूटर एचपी के साथ कम्युनिकेट कर पा रहा था, आईबीएम का कंप्यूटर आईबीएम के साथ कम्युनिकेट कर पा रहा था, तो कुछ प्रॉब्लम था। इसके लिए एक रूल्स बनाया गया, ये जो ASCII कोड है ये अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड, इसको क्या नाम है, इसका क्यों बनाया गया है, जो हर एक का कोड ओ आर ए बी सी डी नंबर जैसे 0, 1, 2, 3, 4 हर एक के लिए अलग अलग ASCII कोड होगा, सो दैट हम लोग जब डेटा भेजेंगे वो ASCII कोड के हिसाब से जाएगा। सो यू नो HP का कंप्यूटर कैन कम्युनिकेट विद IBM कंप्यूटर, IBM कंप्यूटर कैन कम्युनिकेट विद Dell कंप्यूटर, सो देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम इफ वी आर मेंटेनिंग द सेम कोड। इज इट क्लियर? यस सर। मैं तुमको पूछा तुम्हारा नाम क्या है, राहुल बोलो। राहुल कुमार। राहुल कुमार, ये जो लैंग्वेज है हम जाके अभी फ्रांस में जाकर हम ऐसा बोलेंगे व्हाट इज तुम्हारा नाम क्या है, वो लोगों को कुछ समझ में आएगा? नो सर। क्योंकि उसका लैंग्वेज एंड हमारा लैंग्वेज इज डिफरेंट। आई कैनॉट स्पीक इन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज इन फ्रांस और समथिंग लाइक दैट, सो दैट्स व्हाई ही कैनॉट एबल टू यू नो गिवन मी द आंसर। इफ आई एम आस्किंग लाइक व्हाट इज योर नेम, सो ही और शी कैन गिव मी द आंसर बिकॉज the common language is English, it can be possible. It's clear? Yes sir. So that's why common language we are using. Similarly इधर एक ASCII code बनाया जो ASCII code हर एक जगह में accepted है। जैसे अभी हम लोगों का number का चाहिए, decimal number मतलब like 37. 37 is a decimal number. 00 to 99 any decimal number. 00 to 99. अभी ASCII code. 0 का ASCII होता है 30 in hexadecimal obviously. 1 का ASCII होता है 31. Similarly 9 का ASCII होता है 39. सर किधर मिलेगा? गांवकर बुक के एकदम पीछे साइड में मिलेगा, और तुम नेट में गूगल में जाकर सर्च करो ASCII कोड ऑफ 0 टू 9, तुमको दिखा देगा 30 से लेकर 39 तक। डेसिमल में भी दिखा सकते हैं, डेसिमल में दिखाएगा तो ये होगा तुम्हारा क्या होगा 48 के आसपास होगा। ठीक है? Yes, तो ऐसे करके जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। हम इसके साथ भी बोल देते हैं ए का 40 नहीं है, ए का 40 नहीं है, ए का है 41 मतलब बीच में गैप कितना है? बोलो। वन का सर। नो सर, नो सर, 41 माइनस 39 क्या होगा सर? 2। ओ 2 अलग हेक्साडेसिमल नंबर। 1 assuming as 17, 17 minus 9 कितना होता है? 8 gap है, ठीक है? तो हम लोगों को इसमें अभी आज जाना नहीं है, हम I will be see in the next day this program. Today हमारा जो है 0 से 9 का ASCII code हमको निकालना पड़ेगा, right? तो इधर में क्या नंबर दिया है 37, तो 7 का ASCII क्या होगा? 37 will be put it over here and 8601 में 3 का ASCII क्या होगा?
Is it clear? Yes, sir. तो ऐसे करके इसके ASCII होगा. Clear to all of you? Yes, sir. Next. अभी देखो कैसे इसका प्रोग्राम लिखा जाएगा. बोलो तो कैसे लिखा जाएगा, कोई आइडिया? बहुत तो इजी है, तुम बोलो ना कैसे करोगे. क्या करना चाहते हो बोलो पहले. सर जीरो जीरो का ASCII वैल्यू डाल देंगे और उसके बाद फिर इंक्रीमेंट करके इक्वल करेंगे, जितने इक्वल होगा वो ASCII वैल्यू. उससे भी बहुत इजी तरीका है भाई. इधर से क्या मिलेगा, 7 मिल सकता है हमको? यस सर. 37 से 7 मिल सकते हैं? यस सर. यस सर. उसके साथ 30 ऐड करने से क्या होगा, ASCII वैल्यू आ जाएगा. सर इधर 6 होने से क्या होता था, 36 हो जाता. तो इसके इधर वाला को हमको 37 से 07 करना है. कैसे करेंगे, अभी तो सिखाया. ANI 0F, not ANA, ANI. ANI 0F. Right? Yes, sir. तो इसका पहले डेटा तुमको लेना है एक्यूमुलेटर में, राइट? हम पहले उतना देर तक प्रोग्राम करते थे, तुमको लिखने का जरूरत नहीं, बाद में लिखना, हम लिखने का टाइम देंगे. पहले देखो LDA 8500H क्या होगा सर. एक्यूमुलेटर के अंदर 8500 का डाटा कॉपी हो जाएगा. 8500 में क्या था, 37 वो आ जाएगा एक्यूमुलेटर में. यस सर. हम इसको सेव करके रखना चाहता है, इसीलिए मैंने बी के अंदर सेम चीज को कॉपी किया. तो बी के अंदर क्या है, ए के अंदर 37, बी के अंदर भी 37, ए के अंदर भी 37. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू विद दिस टू इंस्ट्रक्शंस? Hello. Is it clear to all of you? Yes, sir. Can I proceed? Yes, sir. Very good. So B ke andar bhi 37, A ke andar bhi 37. Next, maine kar raha hu ANI 0FH. Accumulator mein kya hoga? एक्यूमुलेटर में क्या था, 37. देखो ना इसके पहले ANI 0F क्या था, एक्यूमुलेटर में क्या आया था, 36 से क्या आया था, 6 06. ताले 37 से ANI 0F करने से क्या आएगा एक्यूमुलेटर में, बोलो. 07. दीपक ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर. यस सर. तो मैंने 0F एंड ऑपरेशंस किया, मतलब एक्यूमुलेटर में हमारा कितना आ गया, 07. क्या ऐड करना चाहिए, 30. एक्यूमुलेटर में क्या होगा इसके बाद, बोलो. थर्टी ऐड होने के बाद कितना होगा एक्यूमुलेटर में, क्या था इसके पहले इस लाइन के बाद, 37 हो जाएगा सर. 37 हो जाएगा. इसके किधर स्टोर करना है सर,
8600 कैसे होगा सर? होगा इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ओके नेक्स्ट सर, अभी 37 को 37 का हमको फिर से चाहिए, तो क्या करेंगे? किसके अंदर है? बी के अंदर सर। हैं? यस सर। के अंदर है। बी रजिस्टर के अंदर है? बी रजिस्टर के अंदर है कि नहीं? यस सर। क्योंकि yes. मैंने बी रजिस्टर के अंदर सब सेव करके रखे थे पहले से ही। तो देखो मैंने क्या कर रहा हूं, मूव ए कॉमा बी। सर ये दोनों लाइन ना करके मैंने एलडी 8500 भी कर सकते थे, हाँ या ना? बोलो। यस सर। हम ये दो लाइन ना करके एलडीए 8500 फिर से इधर कर सकता था। उसको करने से क्या होता था, अभी करने से क्या हुआ? ये दो इंस्ट्रक्शन मिला के कितना बाइट का हुआ बोलो? ये कितना बाइट का है? बोलो कितना बाइट का इंस्ट्रक्शन है मूव बी कॉमा ए? अजब है, मूव बी कॉमा ए कितना बाइट का इंस्ट्रक्शन है जानते नहीं हो? वन बाइट। तो वन बाइट बोलो इसके कितना बाइट का है? भी वन बाइट। तो टोटल कितना हुआ? टू बाइट। टू बाइट। एक एलडीए करने से कितना बाइट होता था? एलडीए कितना बाइट का है? टू बाइट। थ्री बाइट। इसलिए हम नहीं किया, ठीक है? इसलिए मैंने एलडीए नहीं किया, मूव बी कॉमा ए या नहीं कॉमा बी किया। नेक्स्ट फिर से हम ए नाइन एफ जीरो कर रहे हैं, तो क्या होगा? एक्यूमुलेटर में क्या होगा? थ्री जीरो। हाँ बोलो। कुम्युलेटर में सर थ्री 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 जीरो सर। जीरो पूरा इंडिया का लगा हुआ है, नेपाल का। एक्यूमुलेटर में थ्री जीरो होगा, तो एक्यूमुलेटर में थ्री जीरो होगा, तो हम कैसे क्या करेंगे देखो फिर से। क्या होगा बोलो तो एक्यूमुलेटर में? एक्यूमुलेटर में क्या होगा? जीरो थ्री। इसके पहले क्या था, इसके बाद क्या होगा? थ्री जीरो था, जीरो थ्री हो जाएगा। हैं? थ्री जीरो था, जीरो थ्री हो जाएगा। वेरी गुड, थ्री जीरो था, जीरो थ्री हो जाएगा। मैंने ये बोला भी था, तुम लोगों को दिखाया भी था, हाँ किया ना? यस सर। तो अभी क्या करेंगे, यही दो लाइन एडीआई 30H एसटीए 8601H एचएलटी। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। कैन आई प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट? Yes, sir. चलो अभी हम लोग थोड़ा और इंस्ट्रक्शंस बढ़ते हैं, फिर हम लोग देखते हैं क्या करेंगे। एक सराई हो गया, ACI, इट्स अ वेरी आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। ACI इज नथिंग बट ए
से जस्ट सी एसीआई 32 इज नथिंग बट ए यू नो 5F प्लस 1 प्लस कैरी फ्लैग, मतलब 5F प्लस 32 प्लस कैरी फ्लैग, 5F प्लस 32 प्लस कैरी फ्लैग. इज इट क्लियर? इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये मगर ये एग्जांपल में गलत दिया हुआ है. ACI 32 is nothing but A is equal to A plus 32 plus accumulator plus carry flag. इधर में काम कर दो, इधर में इधर नहीं कर पाएंगे, इधर 5E कर दो. Is it clear? देखो इधर क्या किया, A is equal to A plus 5M, A plus CY plus 32. A plus carry flag मतलब कितना होता है? 5F, 5B plus 1 कितना होता है? 5F. देखो 5F के साथ हम 32 ऐड किया. Is it clear? पहले ADI मतलब क्या था? Accumulator plus data. इधर क्या है? Accumulator plus data plus carry flag. Accumulator letter plus data plus carry flag. It's clear to all of you? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. So, ACI 32 is nothing but A is equal to A plus CY plus 32. ADC, फुल फॉर्म क्या है ADC? ADC register comma M. What are the full form of ADC register comma M? Is nothing but a, you know, say ADC M is nothing but a is equal to A plus M plus CY. A is equal to A plus M plus CY means say here CD plus B plus 1. M plus मतलब M का content मतलब HL में जो register pair में जो memory locations है उसी memory locations में जो content है उसी के साथ accumulator के जुड़ेगा plus accumulator content जुड़ेगा, जोड़ के result आएगा. Is it clear? मतलब CD plus B plus 1. फिर से कैरी आएगा तो कैरी फ्लैग 1 होगा, फिर से कैरी नहीं आएगा तो कैरी फ्लैग 0 होगा. इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस. हैं? यस सर. हम एक बार बोल दे, देखो कॉपी में बोल देता हूं. ए डी सी बी मतलब ए इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी वाई, मतलब मान के चेक लो एक्युमुलेटर में था 03, B में था 04, CY में था 1. क्या हुआ? 3 plus 4 plus 1 कितना हुआ? 8. Accumulator में हो जाएगा 08, B में हो जाएगा 04, carry flag में हो जाएगा 0. क्यों? A addition करने के बाद result 08 आया. कोई carry आया? कोई carry आया? No sir. तो इसलिए carry flag 0 हुआ. Carry आने से carry flag set होगा. अभी बोलो तो इसके साथ पुराना जो एडिशन था एड, इसके डिफरेंस क्या था? वो इसको एड नहीं करता था, CY को कभी एड नहीं किया. इज इट क्लियर? यस सर. CY कभी एड नहीं हुआ, मगर ये वाला एड हुआ. नेक्स्ट शब SBB, सिमिलरली SBB said C is nothing but A is equal to A minus C minus CY.
बोरो फ्लैग को सब्सट्रैक्ट करना मतलब सीयूआई को सब्सट्रैक्ट करना, सब मतलब सब विद बोरो, एसबीबी मतलब सब विद बोरो, मतलब इधर सी डी माइनस सेवन ए माइनस वन, अच्छा पुश पॉप है, पुश पॉप हम अभी थोड़ा बाद में बोलेंगे, अभी हम सी एम पी का, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन सी एम पी कंपेयर. Next, I will be discuss the PUS, but first I'm discuss the CMP. It's a full form of compare. Full form of is a compare. देखो ये compare क्या करता है, means say I am say CMP मान के चलो B. CMP B. एग्जाम्पल में सी एम पी बी दिया है, ठीक है. अभी देखो, देख पा रहे हो सब सी एम पी बी? यस यस सर. अच्छा सी एम पी बी से आई वांट टू कंपेयर विथ you know with the marks with the age of Anjali with me, I want to compare the age of Anjali with me. Anjali ke sath hamara age ka kya hai, kaun bada hai kaun chota hai. Shayad Anjali bahut bada hai, hum shayad bahut chota hai, aisa to compare karna padega. To kaise compare karenge bolo to. How I can compare? Date of birth. Anjali, are you there? Yes, sir. हाँ बोलो, कैसे compare करेंगे? कौन बड़ा है? आप. कैसे पता चला? सर आप मेरे से पहले पैदा हुए हो इसलिए. कैसे मतलब तुमको कैसे कैसे पता चल रहा है? पहले तुमको क्या जानना चाहिए? डेट ऑफ बर्थ. डेट ऑफ बर्थ बोलो और हमारा एज बोलो. एज ही ना कैलकुलेशन करोगे? यस सर. उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद अपना अपना देखते हैं, फिर सबट्रैक्ट करके पता चल जाता है कौन कितना साल बड़ा है. राइट. अभी देखो A is Anjali and B is Sudipto. हम जानते नहीं है इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है. राइट. आई एम जस्ट मतलब सबस्ट्रक्ट नहीं करेंगे, बगैर सबस्ट्रक्ट जैसे ही करेंगे, सबस्ट्रक्ट की तरह ही सोचेंगे. मतलब हम लोग करेंगे A माइनस B. राइट. क्या हो सकता है? पहला कंडीशन हो सकता है अंजलि हमसे बड़ा है, हो सकता है. यस सर. दूसरा क्या हो सकता है? वी आर फ्रेंड. अंजलि एंड बी बोथ आर द सेम सेम एज. यस सर. थर्ड क्या हो सकता है? अंजलि स्मॉलर देन बी. स्मॉलर देन बी मतलब हमसे छोटा हो सकता है. इज इट क्लियर? ये छोड़ के कोई दूसरा कुछ हो सकता है? नो सर. देखो सबस्ट्रैक्ट जब करेंगे, ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है, तो क्या होना चाहिए? बोरो आएगा, कैरी फ्लैग? आंसर इज नो. तो कैरी फ्लैग जीरो आएगा. जीरो फ्लैग वो भी जीरो आएगा. समझ में आया कि नहीं आया बोलो. नहीं आया तो नेक्स्ट ग्रुप में जाएंगे. नहीं आंसर ये समझ में आया? यस सर. आंसर ही तुमको बोल रहे हैं? यस सर. हाँ
यस सर। क्या इससे समझ में आया, हमको समझाओ सर। जेड जीरो वाला सर डाउट हो, तो हमको क्यों नहीं, तुमको जब पूछा बोला हाँ सर समझ में आ गया। जेड वाला में डाउट। और कोई कुछ बोलना चाहते हो सर? जब ग्रेटर नंबर से स्मॉलर नंबर को सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो कैरी लेने का जरूरत नहीं रहेगा, क्योंकि ग्रेटर कैरी लेने का नहीं, कैरी आएगा नहीं, कैरी तो नहीं होगा। इधर इधर टर्म्स ऑफ बोरो, इधर टर्म्स ऑफ बोरो, बोरो नहीं आएगा। हां सर, बोरो नहीं आएगा। और वैल्यू जो है तो जीरो इसलिए आएगा क्योंकि जीरो फ्लैग जीरो इसलिए होगा क्योंकि वैल्यू जीरो नहीं आएगा, क्योंकि ग्रेटर से स्मॉलर को सबट्रैक्ट कर रहे हैं। हाँ, तो रिजल्ट कभी जीरो नहीं आ सकता है, रिजल्ट कभी जीरो नहीं आ सकता है, सेट नहीं होगा जीरो, रिजल्ट कभी जीरो नहीं आ सकता, इसलिए जीरो फ्लैग जीरो। और बड़ा नंबर से छोटा नंबर सब्सट्रैक्ट कर रहा है, बड़ा नंबर से छोटा नंबर सब्सट्रैक्ट कर रहा है, तो कैरी फ्लैग शुड बी जीरो। मान के चलो 10 से 5 सब्सट्रैक्ट कर रहा है तो रिजल्ट जीरो आ सकता है, कभी नहीं। 10 से 5 सब्सट्रैक्ट करने से कभी बोरो आ सकता है, बोरो बोरो भी नहीं आ सकता, तो कैरी फ्लैग सेट होने का भी चांसेस नहीं है, जीरो फ्लैग सेट होने का भी चांसेस नहीं है। Is it clear? Yes, sir. मगर condition number 2 में क्या होगा? कौन बोलेगा? Carry flags और zero one. नहीं, ये बोलेगा पूजा, बोलेगा पूजा, इन दोनों का क्या होगा बोलो? बोलो पूजा, शायद नहीं है, पूजा आर यू देयर? पूजा शर्मा, पूजा शर्मा आर यू देयर? देखा तुम लोग क्यों क्लास लेना नहीं चाहते। अभी फोन, अभी बोलेगा सर हमारा ये हो गया था, वो हो गया था, सुन ही नहीं रहा है। ममता यू से व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सी वाई एंड जेड, बोलो। हेलो सर। हाँ बोलो बोलो ममता। ओके कौन बोलेगा बोलो, तुम लोगों से कोई भी बोलो। ममता बोलना चाहते हो? बोलो सर। कैरी फ्लैग जीरो होगा और जीरो फ्लैग वन होगा। कैरी फ्लैग जीरो होगा और जीरो फ्लैग वन होगा, कैसे बोल रहे हो मैडम बोलो सर? क्योंकि ए में से हम सबट्रैक्ट करेंगे बी तो जीरो आएगा, तो जीरो फ्लैग सेट हो जाएगा। ए माइनस बी जब दोनों इक्वल होगा, जब दोनों इक्वल नंबर को हम सबट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट जीरो आएगा, तो जीरो फ्लैग वन होगा। एंड बोरो आने का कोई चांसेस नहीं है, तो कैरी फ्लैग जीरो होगा, राइट? यस सर। इसमें क्या होगा? ए बोलेगा, राहुल बोलेगा, तो बोरो वन होगा और जीरो फ्लैग जीरो होगा। ये तीनों कंडीशन में तीनों होगा, सबस्ट्रैक्ट नहीं होगा, दोनों अनचेंज ही रहेगा। ये कंपेयर करने से हमारा एज और अंजलि का एज घट नहीं जाएगा, दोनों का एज सेम ही रहेगा। You know, both are the same age. Our age will not be decreased, but we will be get the flag status like that. ये flag status देख के तुमको पता चल जाएगा जे ये बड़ा है क्या छोटा है, right? Is it clear? Yes sir. Yes sir. चलो एक program हो जाए। Yes sir. एक program हो जाए। Program कराए एक। Yes, sir.
यस सर राइट एन असेंबल लैंग्वेज प्रोग्राम व्हिच इज फाइंड आउट हाईएस्ट नंबर फ्रॉम ए गिवन डेटा एरे Write an assembly language program which is find out highest number from a given data array. Write an assembly language program which is find out highest number from a given data array. Assuming input data array stored from eight five zero zero H length of the data array. Length of the data array stored in length of the data array stored in eight four zero zero H highest number will be stored in 8600H. Eight four zero zero मान के चलो 05H है. तो इसका मतलब क्या हुआ? सर फाइव नंबर का एरे है. फाइव नंबर का एरे है. 8500 से लेकर कितना दूर तक जाएगा? 8404. इसके अंदर हाईएस्ट कौन सा है? इसके अंदर हाईएस्ट कौन सा है? सीडी. सीडी तो आउटपुट आएगा सीडी. ओके अभी क्लास में कितना स्टूडेंट है? हाउ मेनी स्टूडेंट इज देयर इन द क्लास? बोलो. 16. वेरी गुड. हम अभी चेक करेंगे किसका वेट सबसे ज्यादा है. इंक्लूडिंग मी हाउ मेनी स्टूडेंट इज देयर? 18 सर. 17 सर. 17. सो 17 वी आर देयर. आई वांट टू चेक द हाईएस्ट वेट. फर्स्ट देख रहे अक्षय कुमार प्रजापति. अक्षय कुमार प्रजापति शुरुआत से नहीं था, जो भी है. अक्षय कुमार प्रजापति के साथ हम अंजलि रानी का कंपेयर करेंगे. हम किसी को देखे नहीं है, ऐसा हम किसी का वेट कम ज्यादा बोल दे तो ऐसा मत सोचो जी हम उसका मोटा बोल दिया, इसका रोगा बोल दिया, ऐसा बात नहीं है. तो मान के चलो एज पर माई लिस्ट इन माई पार्टिसिपेशन लिस्ट इज इट क्लियर? ये क्वेश्चन पता चला सबको ना? किसी को समझने कोई प्रॉब्लम हुआ है? तो एक बार रिपीट कीजिए. ये क्वेश्चन है क्या ना, बोला है 8400 में लेंथ ऑफ द डेटा एरे है, दैट इज 05H, राइट? यस सर. मतलब पांचो नंबर है. इसके अंदर जो सबसे बड़ा नंबर है दैट इज सी डी, इट विल बी स्टोर्ड इन 8600H.
ये दिया हुआ है, इससे हमको ढूंढ के इस सीडी को इधर हमको पेस्ट करना है, मतलब लिखना है. इज इट क्लियर टू यू प्रोग्राम? यस सर. किसी का कोई डाउट है प्रोग्राम्स लेके तो बोलो. नो सर. नो सर. देखो इतना दूर तक तो ठीक था. पांच नंबर सर बोला है, इसके अंदर सबसे बड़ा जो नंबर है इट विल बी स्टोर्ड इन 8600 एंड द लेंथ ऑफ द डिवाइडर स्टोर्ड इन 8500. अभी कैसे होगा इसके समझाने के लिए मैंने बोला क्लास में इंक्लूडिंग मी 17 पर्सन इज देयर राइट. देख वेट मशीन लाना पड़ेगा. इधर एक पल्ला है, इधर एक पल्ला है, मतलब दोनों साइड में है. राइट. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर. मान के चलो ए है ए है बी, उसका नाम दिया है. जो हाईएस्ट रहेगा सब ए में आएगा. इज इट क्लियर? यस सर. मान के चलो फर्स्ट कंपेयर किया मैंने ए के पी के साथ. AKP फुल फॉर्म अक्षय कुमार प्रजापति के साथ मैंने किया अंजलि रानी को. अंजलि रानी AR कौन जीतेगा तुम लोग तो जानते हो हमसे. अच्छा अंजलि. अंजलि का वेट ज्यादा है? यस सर होगा ही ज्यादा. वेरी गुड. सो अंजलि इज द विनर एंड अंजलि इज कमिंग इन रिप्लेस ऑफ AKP. AKP को निकल के अंजलि अभी इधर आ जाएगा. AKP को निकल के अंजलि आ जाएगा इधर. इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर. यस सर. नेक्स्ट अभी बी में आएगा. इसके बाद हम देख रहे हैं दीपक यादव. दीपक यादव AR के साथ फिर दीपक यादव का कंपेयर करेंगे. Is it clear? दीपक यादव के और AR के बीच में भी मान के चलो कौन हाईएस्ट होगा. मान के चलो AR ही हाईएस्ट हुआ, मतलब अंजलि रानी हाईएस्ट हुआ. Is it clear? Yes sir. Yes sir. तो अंजलि रानी हाईएस्ट होगा तो दीपक यादव इधर से सिर्फ हट जाएगा. उसके बाद आ जाएगा SC फुल फॉर्म. आप सर. हाँ आ गया. अभी अंजलि का तो हालत खराब, पूरा एकदम ऊपर में चला गया, हम एकदम पूरा नीचे है. तो आई एम द विनर राइट. तो AR को रिप्लेस करके हम इधर आ गया. इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू प्रोसीड्योर जो मैंने बोला? यस सर. तो ऐसे करके हम पूरा कंप्लीट करेंगे. तो ए में जो रहेगा वो क्या नंबर रहेगा? Highest. Is it clear or not? Yes sir. Yes sir. Yes sir. ठीक. अभी मान के चलो हम क्या कर रहा था, पहला AKP के साथ किसका कंपेयर किया था? अंजलि. AR का AKP छोटा था, AR बड़ा था, मतलब yes. A माइनस B करेंगे तो कैरी फ्लैग आएगा. पहला कंडीशन AKP के साथ AR का. यस सर. कैरी फ्लैग सेट होगा कि नहीं बोलो? यस सर. यस सर. क्योंकि AR मैंने एज पर आवर अजम्पशन AR इज अ हाइट यू नो हायर वेट विद रिस्पेक्ट टू AKP. यस सर. AKP से ज्यादा वेट है, मतलब B इज अ हायर विद रिस्पेक्ट टू A, मतलब A लेस देन B. एम आई राइट? यस सर. तो कैरी फ्लैग सेट होगा. तो कैरी फ्लैग सेट होने से हम क्या करेंगे, बी का कंटेंट को ए में कॉपी करेंगे. इज इट क्लियर? यस सर. कंडीशन नंबर टू, AR के साथ किसके कंपेयर किया था? डीवाई. इधर में क्या हुआ था, मैंने क्या बोला था, कौन बड़ा कौन छोटा? AR बड़ा.
AR greater than DY. तो इसमें क्या होगा, कंडीशन में कैरी फ्लैग क्या होगा? जीरो। कैरी फ्लैग जीरो होने से हमको कुछ करना नहीं है, इधर में सिर्फ नया नंबर आना है। DY को फिर A में लाने का कोई जरूरत नहीं है, DY को बोलेंगे उधर से घर जाओ। इज इट क्लियर? यस सर। ऐसे करके हमको कंपेयर करना है। तो अभी देखो कैसे प्रोग्राम लिखेंगे। पहला है इसको एक काउंटर के तरह सेट करना पड़ेगा। अच्छा बोलो तो ये हम लोग 17 है, तो ये जो वेट मशीन है इसको हमको कितना बार चलाना है? 16 टाइम्स चलाना पड़ेगा। yes, है ना? अभी इसमें दो प्रॉब्लम हुआ, एक तो एक कम करना पड़ रहा है और दूसरा है ना ये AKP तो बहुत नाराज हुआ हमारे ऊपर। सर पहले में आया और पहले हमको हरा दिया, क्या AKP? नो सर। सर तो वो बहुत नाराज है, सर हमको पहले आया हमको हरा दिया। तो AKP को कैसे विन कराना है? AKP मान के चलो इधर में सबसे कम वेट वाला पर्सन है, AKP को कैसे जिताना है तुम लोग सोच के बताओ। मगर हमने चाहता है AKP एक बार जीते। हाँ विनर बोल के एक बार उसको दे, जो प्राइज ना दे ना दे कम से कम विनर तो बोले एक बार। AKP यही चाहता है। सो हाउ इट विल बी डन, हाउ AKP विल बी विन, बोलो। AKP को जीरो के साथ कंपेयर कर देंगे। एग्जैक्टली हम AKP को इधर रखेंगे, AKP को बी के अंदर रखेंगे, तब ए में कुछ किसी को बिठाएंगे ही नहीं। So I will be compare with zero first. Zero से तो छोटा नंबर नहीं हो सकता है ना? Yes sir. So that's why first हम क्या करना है पड़ेगा, इसको हमको कोई रजिस्टर में लेना पड़ेगा। से हम B में ले रहे हैं, कैसे लेंगे बोलो? LDA 8400H move B, A. Is it clear? Yes, sir. LDA 8400H move B, A. तो B के अंदर कितना आएगा? B के अंदर कितना आएगा? Sir, 05 आएगा। तो पांच बार कंपेयर करेंगे, जितना है उतना आएगा। अभी एक्यूमुलेटर को जीरो करना है, कैसे करेंगे? MVI 00 बोलो। MVI के बाद क्या होता है? इतना बार किया है तो इंस्ट्रक्शंस MVI 00 बहुत बार किया कि नहीं? बहुत बार किया। तो मैं थोड़ी तुमको पूछने वाला था ये क्वेश्चन, तुम लिख ही देते थे इधर। नहीं लिख के क्यों पूछे? कुछ तो कारण होगा। एक को कैसे जीरो करेंगे? XRAA। अभी सिखाया तुम लोगों को विद अ वन बाइट इंस्ट्रक्शन व्हिच इज क्लियर द एक्युमुलेटर। यस सर। नेक्स्ट LXI H 8500H। ओके सो व्हाट विल बी द कंटेंट ऑफ M? What will be the content of M? AVH. AVH, very good. Next, CMP A. CMPM. मोबाइल का नेट नहीं चल रहा है। CMPM, okay? Is it clear to you? Yes, sir. Yes, sir. So, किसके साथ किसका compare करेगा sir? बोलो। Zero zero के साथ AB को। Zero zero के साथ AB को।
मतलब एक्यूमुलेटर में 00 था, एम में था ए बी, तो दोनों का कंपेयर करेगा, राइट। कंपेयर करने से कैरी फ्लैग सेट होने से हमको क्या करना पड़ेगा, एम का कंटेंट ए में लाना पड़ेगा। इफ कैरी फ्लैग इज सेट, इफ कैरी फ्लैग इज सेट, देन एम का कंटेंट ए में लाना पड़ेगा। इफ कैरी फ्लैग इज जीरो, हमको कुछ करना नहीं है, कैरी फ्लैग सेट होने से करना पड़ेगा। इसीलिए जम्प एट नॉट कैरी, कैरी ना आने से जम्प कर जाएगा। कैरी आने से क्या करेंगे, मूव ए कॉमा एम, इधर से इधर जम्प कर जाएगा। कैरी फ्लैग आने से, कैरी फ्लैग आने से हमको ये मेमोरी लोकेशंस का कंटेंट एक्यूमुलेटर में ले लिया, कैरी फ्लैग ना आने से इधर जम्प कर गया, राइट। किसी का कोई डाउट्स, किसी का कोई डाउट्स है? नो सर। हम फिर से बोल रहा हूं, सीएमपीएम मतलब एक्चुअली सब्स्ट्रैक्ट नहीं करता है, मगर इंटरनली ए माइनस एम करने का कोशिश करता है। इफ कैरी फ्लैग इज सेट, इफ कैरी फ्लैग इज सेट मतलब एम बड़ा है, एम ए छोटा है। अभी एम बड़ा होगा तो एम का कंटेंट जाएगा एक्यूमुलेटर में, तो कैरी फ्लैग सेट होने से हम मूव ए कॉमा एम करेंगे, मतलब एम का कंटेंट एक्यूमुलेटर में आ जाएगा। और नहीं होगा तो हम लोग नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन के लिए सोचेंगे, INXH। तो HL में क्या होगा, INXH करने से HL में क्या होगा, बोलो सर। 35 H आ जाएगा। ना ना, HL में क्या होगा, HL में, HL में, HL में 8501 होगा, HL में 8501 होगा, मतलब M का कंटेंट होगा 35H। यस सर। सो नेक्स्ट, एक बार कंपेयरिंग हो गया तो हमने B को एक घटाया, अभी चेक करेंगे J इंजर जंप एट नॉट जीरो। ओके, जंप एट नॉट जीरो, B को एक घटाएंगे, फिर चेक करेंगे जंप एट नॉट जीरो, जीरो ना होने से इधर से जंप करके फिर CMPM में। ये पांच बार घूमेगा, घूमते घूमते जो जब भी कोई 12 नंबर आएगा तो ए में रह जाएगा, नहीं आएगा तो दूसरा में चला जाएगा। ऐसे कर सकते हैं, जब प्रोग्राम खत्म हो जाएगा तब हमको सिर्फ मेमोरी लोकेशन में स्टोर करना है STA8600H एंड HLT। इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। So this is nothing but a your program, and remember till today I think kam se kam 8-10 to program ho hi chuka hai, theek hai। Sounak sir ke sath communicate karke lab ka copy le lena, kaise lab mein likhna hai, aur iska memory location aur iska hex code pura likh lo, right? Okay sir। Likh ke ye program कंप्यूटर में रन कराओ, हाँ कंप्यूटर में किसी में भी रन कराओ, देखो मोबाइल में भी हो जाएगा। उसके बाद ये प्रोग्राम वो जो लैब कॉपी है उसमें लिखना पड़ेगा। लैब कॉपी का 4 पेज है, एक फर्स्ट पेज इज नथिंग बट ए क्वेश्चंस विद क्या क्या रजिस्टर यूज हो रहा है, कौन सा मेमोरी लोकेशन यूज हो रहा है उसको लिखना है। सेकेंड पेज फ्लो चार्ट लिखना है, फ्लो चार्ट का पेज। थर्ड पेज प्रोग्राम विथ मेमोरी लोकेशन एंड हेक्स कोड लिखना है, इधर में मेमोरी लोकेशन, इधर में हेक्स कोड, बीच में प्रोग्राम, मेमोरी लोकेशन, प्रोग्राम, हेक्स कोड, तीनों लिखना है। एंड द फोर्थ पेज दैट इज नथिंग बट दिस पेज, इनपुट आउटपुट पेज, इनपुट आउटपुट पेज लिखना है। ये चारों पेज हर एक प्रोग्राम के लिए होगा, तो 10 प्रोग्राम हो गया तो कम से कम 40 तो पेज हमारा हो जाएगा लिखने का, ये कंप्लीट कर लेना, ये तुम्हारा लैब में चाहिए। सर एक बार रिपीट कर दीजिए क्या क्या था। चारों पेज लिखना है, देयर विल बी अ 4 पेज फॉर ईच प्रोग्राम, देयर इज अ 4 पेज फॉर ईच प्रोग्राम। फर्स्ट पेज इज नथिंग बट ए क्वेश्चंस लिखा हुआ रहेगा, 4 पेज इज रिक्वायर्ड, दैट इज द फर्स्ट पेज इज नथिंग बट ए क्वेश्चंस विद कौन सा रजिस्टर इज यूज्ड, कौन सा मेमोरी लोकेशन इज यूज्ड, वो मेंशन रहेगा फर्स्ट पेज में।
सेकेंड पेज में फ्लो चार्ट ऑफ द प्रोग्राम, ये प्रोग्राम का जो फ्लो चार्ट है वो फ्लो चार्ट लिखना पड़ेगा. थर्ड इज नथिंग बट ए प्रोग्रामिंग पेज, दैट इज इधर में मेमोरी लोकेशन रहेगा, इधर में प्रोग्राम रहेगा, इधर में हेक्स चार्ट रहेगा. एंड फोर्थ पेज इज नथिंग बट ए इनपुट आउटपुट पेज. ये जो इनपुट आउटपुट मैंने इतना दिन से हर एक बार लिखा रहा हूँ, ये ऐसा नहीं लिखा रहा हूँ, लिखना है इसीलिए लिखा रहा हूँ. तो इनपुट आउटपुट पेज लिखना है. ओके सर. क्या कोई डाउट है कोई पेज में? नो सर. फ्लो चार्ट तो तुम लोग जानते ही हो कैसे फ्लो चार्ट लिखते हैं, हाँ? फिर भी कोई डाउट है तो बोलना, हम बता देंगे बाद में. अभी से लिखना शुरू कर दो वो चार चार पेज, वो लिखना पड़ेगा सारा. लास्ट में बहुत प्रेशर हो जाएगा, हाँ? और हम देखेंगे भी दो चार दिन, नेक्स्ट वीक में हम बोल देंगे कब तक सबमिट करना है, तब तुम लोग और प्रेशर में पड़ जाओगे. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर. सो नेक्स्ट मंडे देयर विल बी अ क्लास. एनी प्रॉब्लम इफ यू हैव? मंडे 2 बजे से क्लास है. नहीं मंडे तो है ना? यस सर मंडे को है सर. मंडे को नेक्स्ट 2 बजे से क्लास है. यस सर. ठीक है फिर एक बार सोनक को पूछ लेते हैं. सोनक यू ऑलरेडी ओके. बाय फॉर टुडे, वी विल बी मीट अगेन मंडे. Before Monday, you will be prepare your lab copy and all, and be prepare all the programs once again. If any kind of doubt, if you have in any kind of any instructions, so ask me, sir, why you are doing these instructions? Why not these instructions? All right? Okay, sir. Okay, sir. Okay. Thank you, sir. Okay, thank you, sir. Thank you to all. Thank you, sir. Thank you, sir.